नमस्कार। आप सब जानते ही है हमारे दमन दीव की हालत क्या है और दादरा नगर हवेली भी सेम ही है। आज हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली में भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। ऐसी स्थिति कभी आजादी के बाद नहीं रही। हमारे प्रशासक जी बार बार डिंगे मारते रहे कि प्रशासक के राज में राम राज्य चल रहा है, मगर हमारे दमन दीव के लोगों द्वारा हमें जो शिकायत मिलती है उससे हमने निष्कर्ष निकाला है कि इनके आने के बाद जो भ्रष्टाचार बढ़ा है वो कभी नहीं था। आपको मैं बताना चाहता हूँ और प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी को भी बताना चाहता हूँ। प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी, आप जरा दमन और दीव के कलेक्टर ऑफिस में चले जाइए, जिसमें खास करके दमन के ऑफिस में, क्योंकि दीव से भी आपने तो सारे जमीन लैंड के बाबत के जो भी कामकाज है वो दमन में ट्रांसफर कर रखे हैं। तो जरा आप दमन के कलेक्टर ऑफिस में जाइए और कलेक्टर ऑफिस नहीं, मंडी, दमन दीव की मंडी बोलिए उसको, क्योंकि लोगों ने बताया कि वहां पर लैंड के रिलेटेड जो भी कामकाज है उसके लिए कलेक्टर कार्यालय में भाव नक्की किए गए हैं। एने के लिए एक गुंठा का भाव बोला जा रहा है कि 50,000 रुपया। अगर एक एकड़ जितनी जमीन है तो बोला जा रहा है कि लगभग 2.5 लाख से 5 लाख या 10 लाख तक चला जाता है। और सेल परमिशन का भाव एक गुंठा का एक एकड़ के आसपास का भाव वो भी लाखों में बोला जा रहा है, लाखों में। सेल परमिशन के लिए भी लाखों के रुपये चुकाने पड़ रहे हैं, ऐसे वो भाव तय किए गए हैं। अरे म्यूटेशन के लिए इंडस्ट्रीज वालों के पास 5 लाख से लेकर 10-10 लाख रुपये की मांग हो रही है। एक एक एकड़ के लिए ऐसी बातें शिकायत मिलती है। वहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं, बोले 2 से 5 हजार का भाव चल रहा है। एक दिन में जो रजिस्ट्री होती थी सेल की, उसके लिए आज हमें 10-10, 15-15 दिन तक दौड़ाया जा रहा है लोगों को। और सेल रेट का भी भाव तय कर दिया गया है, वो भी 10 से 15 लाख रुपये एकड़ का ऐसा भाव बोला जा रहा है। मतलब हर चीज के लिए इन लोगों ने भाव तय कर दिए हैं। ये मंडी नहीं है तो क्या है? सामान्य जनता बता रही है कि कलेक्टर ऑफिस में 3-3, 4-4 साल से जमीन की आने की फाइलें दूर खा रही है। और सरप्राइज की बात है, और जो मावा मिठाई लेके आते हैं और ये मंडी के भाव को जो नाप तोड़ के हिसाब से, मांग के हिसाब से दे देता है, उसको एक सप्ताह के अंदर सेल डीड से लेकर रजिस्ट्री से लेकर म्यूटेशन तक एक सप्ताह में हो जाता है। मैं 5-7 नाम देना चाहता हूं, मेरे पास पड़े हुए नाम, कुछ तो पूना के हैं, उन्होंने यहां प्रॉपर्टी खरीदी है। कहा जा रहा है कि कलेक्टर ऑफिस के अधिकारी खुद लाइजनिंग कर रहे हैं, खुद लैंड ले रहे हैं। अरे दुख की बात तो यह है कि काफी लोगों की जमीनें, एकड़ जमीन उन्होंने अपने रिलेटिव के नाम पर, अपने लोगों को नाम पर करवा के दे दी। ये क्या चल रहा है? प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी, आप अपने गरीबान में जाकिए और इन विभाग का आप इंक्वायरी कराइए। आप तो महात्मा बन के घूम रहे हैं, मगर आपके अधिकारी आपके नाक के नीचे क्या कर रहे हैं वो आप जानते हैं क्या? अगर जान रहे हैं तो फिर इसमें आपकी क्या हिस्सेदारी है? आप राजा राम और राजा हरिश्चंद्र की बातें कर रहे हैं और हमारे दमन दीव की हालत क्या है आप जानते हैं? गरीब लोगों के 4-4 साल से फाइल है, एनए नहीं हो रही है, सेल परमिशन नहीं मिल रही है, सेल रीड नहीं हो रही है, रजिस्ट्री के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, म्यूटेशन के लिए अलग पैसे देने पड़ रहे हैं। लोगों के घर, मकान, दुकान, ढाबा, बार, रेस्टोरेंट, छोटे तरकारी वाले, मछुआरे, उनको परेशान करना छोड़े और इस पर ध्यान दे। आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और गरीबों के काम कीजिए। उसके लिए मैंने पत्र लिखा है एडवाइजर को और मांग की है कि हमारे कलेक्टर कार्यालय की जांच की जाए और मंडी बाजार का जो भाव लगाया गया है, किसने लगाया है, कौन वसूली कर रहा है, उसकी भी जांच की जाए। मैं इसकी इंक्वायरी ऊपर तक करवाने वाला हूं। और खास करके एक बात कहना चाहता हूं, मैंने सोचा था इन अधिकारियों के साथ प्यार से काम किया जाएगा, उनको भी साथ में रखकर ये सारी समस्याओं को सुलझाकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर प्रदेश के विकास के काम करेंगे, मगर अधिकारी चाहते ही नहीं है कि प्रदेश में विकास का काम हो। उनको सिर्फ हफ्ताखोरी लेनी है, उनको अपना तिजोरियां भरनी है
और बात हरिश्चंद्र जी की करनी है तो इनका औकात दिखाने के लिए मैंने आज से शुरू की है ये जंग, और कितने अधिकारियों की नौकरी खा जाऊंगा आप 45 दिन के अंदर देखिए, और रिजल्ट तो 15 दिन में दिखाता हूं। ये आईएएस आईपीएस और दानिश की नौकरियां किस तरह से धड़ाधड़ जाती है वो दमन दीव का इतिहास देखेगा, और लिखा जाएगा ही सुनहरे अक्षरों में कि सांसद जो चाहे तो क्या कर सकता है। और एक आपको एक अलग बात करना चाहता हूं, एक आईपीएस आया है, ये मैं सांसद के रूप में ये लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहता था, पर ये लैंग्वेज आज के लिए यूज कर लेता हूं। एक आईपीएस आया है सिलवासा से, वो आईपीएस नहीं है, वो प्रशासक का कुत्ता है, और वो कुत्ता मेरी फाइलें सूंघ रहा है। पर उस कुत्ते को मैं कहना चाहता हूं कि आपने आपकी बीवी के नाम से, अपने माँ के नाम से और आपके परिवारजनों के पास से नाम से कितनी प्रॉपर्टी ली है और आपने कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा खोला है, वो सब फाइलें मेरे पास आ चुकी है। तो आपकी भी वर्दी कैसे मैं उतारता हूँ और कैसे आपका भी फाइलें घुमाता हूँ वो आप भी देख लीजिएगा। और केस से उमेश पटेल नहीं डरता, जेल से उमेश पटेल नहीं डरता, इतना याद रखे। और इस कुत्ते को और भी कहना चाहता हूँ कि आप जिस मकसद से आए हैं वो मकसद मेरा परमात्मा परमेश्वर बैठा हुआ है, समझे। ये उमेश पटेल को डराने की कोशिश मत कीजिएगा, और आप पे तो मेरी नजर है, ये इतना याद रखना, 2400 घंटे नजर है, और आप पर तो मैं ऐसे फाइल केस करूंगा कि जिंदगी भर आईपीएस होने का आपको दुख रहेगा, इतना याद रखना। और दमन दीव के सारे अधिकारियों को आज खुली चुनौती देता हूं, अगर दमन दीव में थोड़ी सी समस्या आई ना, आप लोगों की नौकरी जाएगी, नौकरी खा ही जाऊंगा, इतना याद रखना, छोड़ूंगा नहीं। अब सुधरना है तो बिल्कुल सुधरना, और दमन दीव की जनता से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि एक नए दमन दीव के भविष्य के लिए सब तैयार रहे, बड़े से बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। अब दमन दीव में सहने का वक्त चला गया, लड़ने का समय आ गया है, रास्ते पे उतरेंगे और या दमन दीव से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे, जंतर मंतर पर बैठना पड़े तो वहां पर भी बैठेंगे, पार्लियामेंट के गेट पर बैठना पड़े तो वहां पर भी बैठेंगे, पर खामोश नहीं रहेगा, नहीं झुकेगा दमन दीव, नहीं रुकेगा दमन दीव, नहीं झुकेगा उमेश पटेल और नहीं रुकेगा उमेश पटेल। धन्यवाद। दमन दीव से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे, जंतर मंतर पर बैठना पड़े तो वहां पर भी बैठेंगे, पार्लियामेंट के गेट पर बैठना पड़े तो वहां पर भी बैठेंगे, पर खामोश नहीं रहेगा, नहीं झुकेगा दमन दीव, नहीं रुकेगा दमन दीव, नहीं झुकेगा उमेश पटेल और नहीं रुकेगा उमेश पटेल। धन्यवाद दोस्तों। जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, जरूर कमेंट करना। और जो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और ऑल पर